कोरोना काल में वरदान बनी दवाई रेमडेसिविर इंजेक्शन को अधिक कीमत पर बेचने पर राज्य मेडिकल स्टोर का विक्रय लाइसेंस खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। कोरोना में वरदान बनी दवाई रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी जमकर चल रही है, जिसके चलते अब प्रशासन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिक कीमत पर इंजेक्शन बेचने के आरोप में जांच के घेरे में आए राज्य मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई हुई और मेडिकल स्टोर का विक्रय लाइसेंस खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने निरस्त कर दिया। दो दिन पहले कलेक्टर ने दुकान सील भी करवाई थी। राज्य मेडिकल स्टोर पूर्व भाजपा पार्षद मीना अग्रवाल के पति की दुकान बताई जा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।